Hello everyone, Jai Swami Narayan. I hope you all are fine today. Students, this year na we are going to learn English from NCERT book. And this year na in this NCERT books we are having the chapters divided into unit wise. Means इस book में हर एक chapter को unit wise divide किया हुआ है. Like unit 1, unit 2, unit 3, unit 4. And in that unit na in every unit we have two chapters or three chapters. So today we are going to learn from first unit, first poem. And the name of that poem is Good Morning. Good morning means what? The morning when you get up and you feel very happy. That kind of morning is called good morning. And the name of the poet of this poem is Fanny R. Buchanan. Now what is the meaning of poet? Poet means a person who write different poems on different topic. Means जो बहुत सारी कविताएं लिखते हैं और जो अलग अलग होती है, अलग अलग टॉपिक्स पे होती है, और जो कविताएं लिखते हैं ना उस इंसान को पोएट कहते हैं. एंड हु इज द पोएट ऑफ दिस पोयम? फैनी आर बुचानन इज द पोएट ऑफ द पोयम गुड मॉर्निंग. ओके, नाउ इन दिस पोयम ना देयर इज वन गर्ल. व्हेन शी गेट्स अप इन द मॉर्निंग, व्हेन शी अवेक इन द मॉर्निंग ना, वॉट शी फील्स इज शेयर इन द पोयम. यानी वो सुबह जागती है, उठती है और वो क्या फील करती है वो हम इस चैप्टर पोयम में पढ़ेंगे. ओके, नाउ व्हेन द गर्ल वेकअप्स इन द मॉर्निंग ना एंड शी ओपन्स द विंडो, सी सीज मैनी बर्ड्स, ट्रीज एंड मैनी डिफरेंट थिंग्स. एंड वॉट शी डूज यू नो? शी सेज गुड मॉर्निंग टू दैम. मीन्स व्हेन शी सी द बर्ड ना, शी सेज गुड मॉर्निंग टू द बर्ड्स. यानी जब वो बर्ड्स को देखती है तो वो उसे कहती है गुड मॉर्निंग बर्ड्स. देन व्हेन शी सी द सन इन द मॉर्निंग, द सन राइज ना, एंड बिकॉज ऑफ सन वी कम्स टू नो दैट अ न्यू डे इज बिगिन. सो व्हेन शी सीज द सन शी सेज गुड मॉर्निंग टू द सन. एंड आफ्टर दैट टू होम शी सेज गुड मॉर्निंग, शी सेज टू द विंड. जो हवाएं चलती रहती है, हवाएं जो बहती है, द विंड दैट रन्स ना, शी सेज गुड मॉर्निंग टू द विंड ऑल्सो. देन शी सेज गुड मॉर्निंग टू द स्काई. जो हमारा आसमान होता है, आसमान से, सन से, बहने वाली हवाओं से, बर्ड्स, ट्रीज, व्हाटएवर शी सेज ना, शी सेज